दोस्तों, बांग्लादेश के इस बड़े फैसले के बाद भारत ने अब बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद करने का पूरी तरह से ठान लिया है। इसी बीच बांग्लादेश ने भी भारत के ऊपर इतना बड़ा फैसला ले लिया है जिससे भारत को कई अरब डॉलर का नुकसान होना कन्फर्म है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक पड़ोसी देश के साथ मिलकर भारत के साथ बड़ा खेल कर दिया है और वही अडानी ग्रुप ने भी बांग्लादेश को एक करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट जानेंगे इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का एक बार फिर भारत विरोधी चेहरा सामने आया है। बांग्लादेश अब तक भारत के रास्ते वैश्विक बाजार में कपड़ा पहुंचाता रहा है, लेकिन हाल के समय में उसने कपड़े की सप्लाई के लिए समुद्र का रास्ता चुना है। बांग्लादेश की इस योजना में भारत का एक पड़ोसी उसकी मदद कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से मोहम्मद यूनुस लगातार ढाका को भारत से दूर ले जा रहे हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक बांग्लादेश ने अपने माल को वैश्विक बाजार में पहुंचाने के लिए भारत को दरकिनार करने का फैसला किया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने कपड़ा निर्यात को दुनिया में वितरण के लिए मालदीव के माध्यम से भेजने का विकल्प चुना है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के ये फैसला भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों के कार्गो राजस्व की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा। लाइव मिंट ने एमएसएसई एजेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक तिवारी के हवाले से बताया कि बांग्लादेशी माल पहले भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जाता था, लेकिन अब वे अन्य स्थानों से शिपमेंट को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का मतलब है कि भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों को इन कार्गों के संभालने से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश अपने कपड़ा निर्यात को समुद्र के रास्ते मालदीव भेज रहा है। इसके बाद H&M और जारा समेत वैश्विक ग्राहकों को हवाई मार्ग से कार्गो भेज रहा है। कपड़ा निर्यात का रूट बदलने से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंध कमजोर हो सकते हैं। यह रसद और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अवसर कम कर सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटी है कि बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात भारतीय हितों के लिए फायदेमंद बना रहे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी वस्त्र निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बांग्लादेश में मौजूद भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाली या उनसे संचालित सुविधाओं या कारखानों में उत्पादित किया जा रहा है। इसी के साथ बांग्लादेश को भी भारत ने एक बड़ा झटका दे दिया है और बांग्लादेश की सरकार के लिए भारत सरकार से टक्कर लेना तो दूर की बात है। यह लोग हमारे अडानी ग्रुप के सामने ढेर हो गए हैं। हमारा एक अकेला अडानी ग्रुप ही बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए काफी है। बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगा था कि अमेरिका और जो बाइड के दम के ऊपर यह भारत से टक्कर ले लेंगे, लेकिन अब इनको उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका फ्लाइट से तो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर ही नहीं पाएगा। यह तो आपको ही पता होगा कि अडानी ग्रुप झारखंड में अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता था। इसके अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की सरकार के बीच साल 2017 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। अभी तक अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को जितनी भी बिजली सप्लाई कर दी है, उसकी पेमेंट बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है और यह पेंडिंग पेमेंट्स हर महीने लगातार बढ़ते जा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश आज भी हर महीने 90 से 100 मिलियन डॉलर की बिजली अडानी ग्रुप से परचेज करता है। लेकिन पिछले 9 से 10 महीनों से जो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की है, उसके लिए बांग्लादेश को अडानी ग्रुप को 46 अरब डॉलर अभी तक पेमेंट करनी है, जो कि पेंडिंग पड़ी है। अब यह 46 मिलियन डॉलर काफी बड़ी रकम होती है, इंडियन करेंसी में करीब 7,100 करोड़ बनते हैं। अब यह बांग्लादेश की सरकार के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है और फिर अडानी ग्रुप तो एक कंपनी मात्र है। इसलिए जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना जान बचाकर वहां से भाग गई, उसके तुरंत बाद अगस्त महीने के स्टार्टिंग में अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट को पेमेंट क्लियर करने के लिए एक लेटर भेजा था और कहा था कि 46 मिलियन डॉलर की पेमेंट कंपनी को अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए, क्योंकि पेमेंट डिले के कारण अब कंपनी के ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं और यह कंपनी के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। उस समय अडानी ग्रुप ने कहा था
कि कंपनी झारखंड के अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती रहेगी और बांग्लादेश की बिजली काटने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की बिजली काट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पावर ग्रिड बांग्लादेश ने कहा है कि उनके पास 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप अब 1496 मेगावाट की जगह मात्र 700 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि वह एक साथ यह सारा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए बांग्लादेश की सरकार अडानी ग्रुप को वीकली बेसिस के ऊपर हर हफ्ते $22 मिलियन पे करती रहेगी, यानी कि $22 मिलियन हर हफ्ते के ऊपर बात फाइनलाइज हुई थी। लेकिन बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड केवल $18 मिलियन वीकली अडानी ग्रुप को पे कर रहा था, और वो भी कुछ हफ्तों से पे नहीं किए गए, क्योंकि लिमिट करने वाले बांग्लादेश के कृषि बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व्स और यूएस डॉलर रिजर्व्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। यूएस डॉलर रिजर्व्स की शॉर्टेज के कारण वीकली पेमेंट्स पे रुक गई। वीकली पेमेंट्स रुकने के बाद अडानी ग्रुप ने 5 दिन पहले 27 अक्टूबर को बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था और कहा कि अगर वो पेमेंट्स क्लियर नहीं करेंगे तो फिर कंपनी पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत जवाबी कार्रवाई करेगी और 31 अक्टूबर से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी। यानी कि अडानी ग्रुप ने 27 अक्टूबर को एक लेटर लिखकर पेमेंट क्लियर करने के लिए 5 दिन का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को कोई भी पेमेंट नहीं की। इसलिए अब अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली में कटौती करते हुए अब इसको आधा कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रुप अब बांग्लादेश को महंगी बिजली देने लगा है, यानी कि बिजली की कॉस्ट अडानी ग्रुप ने बढ़ा दी है, जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं। वैसे देखा जाए यह तो सिर्फ अडानी ग्रुप है, भारत की टोटल 5 कंपनी हैं जो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करती हैं। इन सभी कंपनीज को बांग्लादेश की सरकार को टोटल $1 बिलियन से भी ज्यादा पे करना है, लेकिन मसला यह है कि बांग्लादेश की सरकार के पास इस समय फॉरेक्स रिजर्व्स और यूएस डॉलर के रिजर्व्स की भारी किल्लत चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के पास अब 2 महीने का इम्पोर्ट बिल पे करने तक के फरेक रिजर्व्स बचे हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार फरेक रिजर्व्स का इस्तेमाल भारत से बिजली परचेज करने के लिए करती है तो वे फिर बाकी सामान इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने IMF से $3 अरब की फाइनेंस से लेड भी मांगी थी, लेकिन IMF ने अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। ऊपर से प्रोटेस्ट के कारण बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज काफी प्रभावित हुई हैं और एक्सपोर्ट काफी कम हो गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप ने ये बांग्लादेश की बिजली काटकर सही किया, हाँ या फिर ना, या फिर पूरी बिजली काट देनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।